नमस्कार। गुजरात में कल शाम के 5 बजे से लेके आज सवेरे के 9 बजे तक जो COVID-19 के केसेस नए आए हैं इस प्रकार से हैं, कुल 108 नए केस आए हैं। आज इस समय दरमियान 4 लोगों के दुखद अवसान हुए हैं। एक व्यक्ति अच्छे होके चिकित्सा लेके ठीक होके वापस घर गए हैं। ये जो 108 केसेस हैं, इसका ब्रेकअप भी ज़्यादातर ये अहमदाबाद के हैं और वहाँ भी 66 जितने केस अहमदाबाद के जो हॉटस्पॉट के इलाके हैं वहीं से हैं। और अभी तक के जो पॉजिटिव दर्दी हैं, पेशेंट्स हैं, उसमें से 1662 जितने लोग स्टेबल हैं और 14 ऐसे मरीज़ हैं जो वेंटिलेटर पर है। अभी तक कुल गुजरात ने 32,204 जितने टेस्ट्स कर दिए हैं और इसमें से 1,851 जितने टेस्ट्स पॉजिटिव, उसके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं। और पिछले 24 घंटे में 3,992 टेस्ट किए हैं, जिसमें से 247 जितने केस 247 जितने केस पॉजिटिव आए हैं। इस तरह से हकीकत है। आज हम खास दो चीज़ कहना चाहेंगे कि अहमदाबाद के 3 हॉस्पिटल्स यानी स्टर्लिंग, HCG और नारायण हॉस्पिटल, इन तीनों को COVID-19 के लिए एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल उनकी तरफ से उन्होंने मांगनी की है और सरकार ने उनको डेजिग्नेट भी किया है। और इसमें लोग अगर वहाँ चिकित्सा लेना चाहें तो पे करके, यानी उसका जो भी प्रमाण होगा उसकी राशि पे करके वो अपनी सारवार इलाज वहाँ ले सकते हैं। आज खास एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि जो गुजरात में अभी तक 67 COVID-19 के मृत्यु हुए हैं, इस मृत्यु अंक का अगर हम ब्रेकअप देखें तो ज़्यादातर 98% ऐसे डेथ्स हैं कि जो 15 वय से ज़्यादा, और उसमें भी 92% ऐसे बड़ी पैमाने में डेथ्स ऐसे निकल रहे हैं कि जो 60 ईयर्स 45 to 59 इस एज ग्रुप में, जैसे इन दोनों एज ग्रुप्स में 60 से ज़्यादा, 60 वर्ष से ज़्यादा अगर एज ग्रुप को देखा जाए तो 100% में से 55.22%, यानी 67 में से 37 केस ऐसे हैं कि जो 60 ईयर्स 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं। फिर 32.83% ऐसे केसेस हैं जो 45 से 59 वर्ष की मर्यादा में हैं। 6 ऐसे केसेस हैं और 8% ऐसे केसेस हैं जो 15 से 44 वयजूत में हैं। एक ही ऐसा केस था जो 5 से 14 वर्ष का वयजूत वाला हो, और एक ऐसा केस है जो 0 से 4 वयजूत का बच्चा हो। ऐसे इस तरह से डेटा है। और एक और तरह से इसे देखा जाए, जिसमें रिस्क फैक्टर कहते हैं ऐसे लोग की जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा हो, या ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम हो, या ऐसी महिलाएं जो सगर्भावस्था में हैं। इस रिस्क फैक्टर वाले लोग जिसको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, यानी कोई और अन्य बीमारी नहीं है, ऐसे अभी तक के जितने भी मृत्यु हुए हैं मात्र 5.97%, यानी 94% ऐसे मृत्यु हुए हैं जो इस कैटेगरी के अलावा, जिनको या तो कोई रिस्क फैक्टर था या कोमॉर्बिडिटी थी वगैरह। 10% ऐसे लोग आ रहे हैं जिसमें कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है, कोमॉर्बिडिटी भी नहीं है। तो मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी वाले 35 ऐसे लोग हैं 67 में से, एक कोमॉर्बिडिटी वाले 21 जन हैं, रिस्क फैक्टर है पर कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है ऐसे 4, और कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है, कोमॉर्बिडिटी भी नहीं है, ऐसे 10% लोगों की मृत्यु हुए हैं। तो इस तरह से इसका ब्रेकअप है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे अनुरोध है फिर से कि अपने आप को सुरक्षित रखिए, और ख़ास इस आँख से भी आप देख सकते हैं, आंकड़े से देख सकते हैं कि जो हमारे घर में वयस्क लोग हैं, जो बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग भी हैं, 60 वर्ष से भी बड़ी उम्र के लोग हैं, और जिनको और भी अन्य बीमारियां पहले से हैं, उन सब की हिफाजत, उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और हम जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं और इम्यूनिटी के जो जितने भी गाइडलाइंस हैं, इसका हम फॉलो आत्मसात करें, इसका प्रैक्टिस करें, तो ज़रूर
इसमें हम इस लड़ाई में लड़ने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार।